की तुसी जानते हो ताश के चार बादशाह दे विच किस बादशाह दे मुच्छां नहीं हुंदियां, किस जीव दे बच्चियां दा वजन हर रोज 90 किलो तक वधदा है, दुनिया का सब तो खतरनाक समुद्री डाकू कौन सी, किस देश दे विच जानवरां नूं हाईवे पार कराउण दे लई पुल बने हुए हन, दुनिया की सब तो ज्यादा प्रिंट होने वाली किताब कीड़ी है, दुनिया का वह किहड़ा आदमी है जिसने अज तक खूनदान करके 24 लाख बच्चों की जान बचाई है। अजिही रोचक तथ्य जानने लई जुड़े रहो मेरे नाल, मैं हां तुहाडा होस्ट जसप्रीत सिंह, तुसीं देख रहे हो जिओ टीवी। जेकर तुसी साडे YouTube चैनल ते पहली बार आए हो तां इसनूं सबसक्राइब करन दे नाल नाल बैल आइकॉन जरूर दबा देना तां जो हर तुहानूं साडी नवीं वीडियो बारे नोटिफिकेशन मिल सके, क्योंकि मैं इदां नॉलेज वाली वीडियो ही अपलोड करता रहना हाँ। यह गल तो हर कोई जानता है कि ताश के पत्तियां दे विच चार बादशाह हुंदे ने, पर यह गल तो बहुत घट लोगों नूं पता है कि तीन बादशाह दे तां मुच्छां हुंदियां हन, पर एक बादशाह अजिहा हुंदा है जिस दे मुच्छां नहीं हुंदियां। वह बादशाह हुंदा है जी पान दा, जाने के किंग ऑफ हार्ट। ब्रिटिश न्यूज़पेपर द गार्डियन के अनुसार एक बार जो ताश के सारे पत्तियां नूं रीडिजाइन किया जा रहा है तो वह डिजाइनर इस बादशाह के मुच्छां लाउणियां भुल गया, तो उस टाइम तो किंग ऑफ हार्ट यानी कि पान दा बादशाह बिना मुच्छां वाला बादशाह बन गया। फोटो खिंचते समय से चीज कहण का रवाज है ताकि साडी समाइल यानी कि मुस्कुराउंदियां दी फोटो सोहनी आ सके। तुहानू यह जान के हैरानी होगी कि कुछ साल पहला विक्टोरिया एरा दे विच से प्रोनाउंस कहिंदे सन ताकि फोटो दे विच उन्हां दे मूंह दे उपर सीरियस जिहा इंप्रैशन बन सके। असल दे विच उस टाइम ज्यादा हसण वालियां नूं गरीब अते शराबियां दे नाल जोड़ के देखिया जांदा सी, ते इस दा इही कारण है कि जदों आपां पिछले राजे महाराजां दे बने हुए पोर्ट्रेट भी देखदे हां तां आपां नूं ओह कदे वी ओह फोटो दे विच हसदे जां समाइल करदे नहीं दिसदे, ओह हमेशा ही सीरियस मूड दे विच हुंदे हन। प्याज कटते टाइम अखां दे विच हंझू आना आम गल है, पर की तुसी जानते हो जेकर तुसी प्याज कटते टाइम चिंगम नूं चबाओगे तां तुहाडियां अखां दे विचों हंझू नहीं आउणगे। अजिहा उस गंध दे डिफ्यूज होण दी वजह दे कारण हुंदा है जिस दे नाल हंझू निकलदे हन। चिंगम नूं खांदे टाइम असीं मूंह दे नाल साह लैंदे हां ते ओह कैमिकल साडे नक्क दे विच नहीं जा पाउंदे, इस लई साडे टीयर गैस प्रभावित नहीं हुंदे। मॉडर्न फिजिक्स की माँ कही जाने वाली मैडम क्यूरी का नाम तुसी जरूर सुनिया होगा। उन्होंने रेडियो एक्टिव पदार्थों से कीतियां हुई अपन खोजा ते पलोनियम ते रेडियम की खोज के लिए जाणिया जाता है, पर शायद तुहानू इह गल दा ना पता होवे कि रेडियो एक्टिव एलीमेंट ही उन्होंने मरण का कारण बने सन। इस दे कारण ही उन्होंने ए प्लास्टिक अनीमिया नाम की बीमारी होगी जिसने उन्हों की जान ले ली। इतों तक कि रेडिएशन ने उन्होंने कपड़े किताबा फर्नीचर तक न भी नुकसान पहुँचाया। उन्होंने मरण तो 100 साल बाद भी उन्होंने चीज़ा रेडियो एक्टिव ने, ते उन्हां नूं लेड बॉक्स दे विच रख्या गया है, ते अगले 1500 साल तक भी उन्हां नूं इस दे विच ही रख्या जाएगा। आईफोन का नाम सुनते ही साडे दिमाग दे विच एप्पल कंपनी दे फोन की फोटो बन जाती है, पर तुहानू इत्थे जान के काफ़ी हैरानी होगी कि पहली मोबाइल डिवाइस जिसनों आईफोन का नाम दिता गया सी उसनों एप्पल ने नहीं बल्कि सिस्को कंपनी ने बनाया सी। इस डिवाइस का काम बिना कंप्यूटर नूं वरते स्काइप दे वॉइस फंक्शन नूं वरतना सी। इस डिवाइस के आने तो 22 दिन बाद ही एप्पल ने अपने आईफोन का ऐलान कर दिता, जिसके उपर सिस्को कंपनी ने कोर्ट के विच केस भी किया सी, ते ए मामला कोर्ट तो बाहर ही आपस में मिल के निपटा लिया गया। उस तो बाद दोनों कंपनियां नाम नूं वरतण दे लई राजी हो गई। कई बार जो बच्चे अपने माँ प्यो तो पैसों की मांग करते हैं तो माँ बाप अक्सर ये गल कह देंगे कि इतने कोई पैसों का दरख्त नहीं लग्या जां फिर इतने पैसों का मीह नहीं पैंदा, पर ब्रह्मंड दे विच कई थावां अजाइयां हन जिथे पैसों नूं छड्डो हीरियां का मीह पैंदा है। सैटर्न अते जुपीटर दो अजिहे ही ग्रह ने जिस दे वातावरण दे विच वड्डी मात्रा दे विच कार्बन मौजूद है, ते जदों मौसम दे विच बदलाव आउंदा है ते कार्बन दे उत्ते बिजली डिगदी है तां उह सख्त हो के ग्रेफाइट बन के थल्ले डिगण लगदा है, ते इत्थे एटमोस्फेरिक प्रैशर इस नूं उदों तक सख्त बणाउंदा है जदों तक वह डायमंड यानी कि हीरा ना बन जाए, इसलिए उत्थे हीरियां दा मीह पैंदा है। कि कोई इंसान इन्ना ज़्यादा लकी हो सकता है कि वह एटम बंब के अटैक तो बच जाए, वह भी एक बार नहीं बल्कि 2 बार। यकीन करना औखा है पर जापान के शोशियामा गुची एक अजिहे ही खुश नसीब इंसान ने 6 अगस्त 1945 नूं उन्हां नूं एक बिजनेस ट्रिप ते हीरोशिमा भेजा गया सी, पर उसे दिन अमेरिका ने हीरोशिमा के उपर एटम बंब सुट दिता। यामा गुची के मूँह ते हथ झुलस गए पर उन्हां दी जान बच गई, ते उह वापस अपने घर नागासाकी चले गए, ते 3 दिनां बाद अमरीका ने नागासाकी उपर भी एटम बंब सुट दिता। इस हमले के उन्हां दा घर तां ढह ढेरी हो गया, पर किस्मत दे नाल उस दिन उह ते उन्हां दा परिवार एक अजिही महफूज जगह ते मौजूद सन जिसके कारण उन्हां नूं बंब का कोई भी नुकसान नहीं झलना पिया। कुछ लोग अपना भार बदल तो काफ़ी परेशान रहिंदे ने, पर तुहानू इह जाण के काफ़ी हैरानी होगी कि एक अजिहा भी बच्चा हुंदा है जिसका वजन हर रोज़ 2-4 किलो नहीं बल्कि 90 किलो तक वधदा है, जिहड़ा अपने पहले साल दे विच हर रोज़ 90 किलो तक भारी हुंदा जांदा है, ते एक जवान ब्लू बेल का वजन 1,40,000 किलोग्राम तक हो सकता है।
जिथे सारे देशों के ब्रिज यानी कि पुल लोगों की सहूलत दे लई बनाए जाते हैं, उत्थे ही नीदरलैंड के हैक्शायर के सिर्फ इस लई पुल बनाया गया है ताकि गलहरियां बिना किसी खतरे तो हाईवे नूं पार कर सकन। इस पुल नूं बनाउण दे विच खर्चा आया सी 1,08,00,000 रुपए। हालांकि कुदरत नूं पसंद करन वालियां गलहरियां नूं इह पुल कोई खास पसंद नहीं आया ते पिछले 8 सालां दे विच गलहरियां ने इस पुल की वरतों ना बराबर ही की है। जो भी होवे पर नीदरलैंड की सरकार की तारीफ करनी तो बनती है। जदों भी कितने समुद्री डाकुआ की गल होंदी है तो एक अख ते पट्टी बन्ने हुए इंसान की तस्वीर साडे मन दे विच बन जाती है, पर इत्थे तुहानू इह जाण के काफ़ी हैरानी होगी कि दुनिया का सब तो सफल समुद्री डाकू कोई आदमी नहीं बल्कि एक चाइनीज औरत सी जिसका नाम सी चिनसी ते उह चिनबन नाम के समुद्री डाकू की विधवा सी। मन्निया जांदा है कि एक टाइम ते 1800 समुद्री डाकुआ के जहाजा ते उसका राज चलता सी ते उसके थले 80,000 समुद्री डाकू काम करते सन। जेकर तुहानूं इह पुछया जावे कि दुनिया की सब तो ज़्यादा प्रिंट होने वाली किताब किहड़ी है तो तुसीं बाइबल कुरान या हैरी पोटर बारे सोचोगे, पर तुसीं इह सुन के हैरान हो जावोगे कि फर्नीचर अते होम असैसरी बेचण वाली कंपनी आईकिया दी कैटलॉग दुनिया की सब तो ज़्यादा प्रिंट होने वाली किताब का रिकॉर्ड अपने नाम करती है। लगभग 2 दर्जन भाषावां दे विच हर साल इस दीआं 20 करोड़ कापियां छापियां जांदियां ने। पासवर्ड एक जनीक कोड होंदा है जिसनों आपां चीज़ां नूं सुरक्षित रखण दे लई वरतदे हाँ। अजिहे विच हर एक का पासवर्ड अलग अलग होना चाहिए है, पर एक रिसर्च दे विच इह गल दा दावा कीता गया है कि दुनिया दे विच लगभग 2 करोड़ लोगों का एक ही पासवर्ड है ते वह पासवर्ड है 1,2,3,4,5,6। रिसर्चरां दे मुताबिक वार वार जागरूक करन दीआं कोशिशां दे बावजूद भी लोग एक सौखी तरह का पासवर्ड रख लैंदे हन ते बहुत जल्दी साइबर हमलों का शिकार हो जाते हैं। यह गल तो आप सारी जानते हाँ कि खूनदान करन दे नाल किसी की जिंदगी बचाई जा सकती है, पर जेकर मैं पूछा कि कोई भी कला इंसान अपने पूरे जीवन दे विच खूनदान करके किन्ने लोगों की जान बचा सकता है तो शायद तुसी 10, 15 या 20 लोगों बारे सोचोगे, पर आस्ट्रेलिया के मैन विद द गोल्डन आर्म 81 साल जेम्स हैरिसन ने 1954 तो 2018 तक 1,137 बार खूनदान किया सी ते उन्हां दे खून दे नाल 24 लाख बच्चों की जान बचाई गई है। असल दे विच जेम्स दे खून दे विच बहुत ही अनोखे तरह का एक ब्लड प्लाज्मा है जिहड़ा कि प्रैगनेंसी के दौरान बच्चों होने वाली बीमारी के इलाज के वरत्या जाता है ते यही कारण है कि वह कल्ले ही इन्ने लोगों की जान बचा सके। मुंडे कुड़ियां नूं रिंग दे के प्रपोज करते हैं ये तो गल आप सारे जानते हाँ, पर की तुसी कदे सोचा है कि जानवरों में भी अजिहा हुंदा है? हाँ जी, पेंगुइन दे विच जरूर अजिहा हुंदा है। ज़्यादातर प्रजातियां दे पेंगुइन पूरी जिंदगी दे लई एक ही पार्टनर नूं चुनते हैं ते अपनी पसंद दी पेंगुइन नूं पाउण दे लई मेल पेंगुइन उसनूं एक बहुत ही सोहना गोलकार अते मुलायम तरह का पत्थर दिंदे ने। जेकर फीमेल पेंगुइन नूं मेल पेंगुइन का दिता हुआ पत्थर पसंद आ जाए तो वह उस पत्थर नूं अपने आलणे दे विच रख दिंदी है ते उस टाइम तो ही दोनों पेंगुइन एक दूजे नाल रहण लग जांदे ने। इत्थे आपां मान सकदे हां कि उन्होंने प्रपोज करन तों बाद एक दूजे नाल विआह कर लिया होवे। वैसे तो इंग्लिश का अक्षर ए अंग्रेजी के शब्दों के सब तो वध वार वरत्या जाता है, पर की तुसी जानते हो जदों असी नंबरां नूं इंग्लिश दे विच लिखना शुरू करते हाँ जिवें कि 1, 2, 3 तो किस नंबर नूं लिखण दे विच जाके ए वरत्या जाता है तो वह नंबर है जी 1000, जाने कि एक नंबर तो लैके 999 नंबर तक किसी नंबर नूं भी लिखण दे विच ए दी वरतों नहीं हुंदी है। यह सी जिस दुनिया के आप रहने उस दे बारे कुछ रोचक तत्थ तुहानूं साडी वीडियो किदां लगी कमेंट करके जरूर दसणे। साडे फेसबुक पेज जो टीवी नूं जरूर फॉलो करना। धन्यवाद।